नमस्कार डियर जिंदगी के 10वें दिन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों की तरफ से जो भी प्रशंसा और प्रतिभाव मिल रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज का हमारा विषय है बालक ईश्वर का दूत, द चाइल्ड द एंजल ऑफ गॉड। बच्चा ईश्वर का स्वरूप होता है ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन क्या सही में हम ऐसा मानते हैं? जरा सोचिए, जब बच्चा हमसे बात करता है, हमें कुछ कह रहा है, हम कैसे सुनते हैं? अपने काम में व्यस्त होकर, अपने विचारों में खोकर, क्या हम बच्चे का सही रूप से स्वीकार करते हैं? उसकी मान्यताओं का, उसकी इमोशंस का, उसकी इच्छाओं का, क्या हम सही में उसका स्वीकार करते हैं? बच्चा हमसे चाहता क्या है? बच्चे को हमसे क्या चाहिए? बच्चे को सिर्फ हमारा समय चाहिए, क्वालिटी टाइम। आज का हमारा होमवर्क, अभी से लेके शाम तक जब भी बच्चे से बात करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, सिर्फ बच्चे के शब्द ना सुने, उसकी आंखों को भी सुने, उसकी भावनाओं को भी सुने। और हाँ, बहुत ही सफल श्रोता बनके शांति से अपने बच्चे को सुने, उससे एक भी बात का उसके एक भी बात का विश्लेषण न करें। नंबर टू, आज पूरे दिन बच्चा जो भी कर रहा है उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहें, ना उससे कुछ सुझाव दें, ना कुछ सूचन करें। और नंबर थ्री, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे दिन में आधा घंटा आपके बच्चे को दें। ये आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें संपूर्ण रूप से आप आपके बच्चे के साथ हैं, शरीर से, मन से, हृदय से, और आपका आत्मा भी बच्चे से जुड़ा है। आपका होमवर्क ज़रूर करें और पूरे दिन का आपका अनुभव लिखते जाए, और शाम को, रात को सोने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।